बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मददगार और मैं हूँ आपके साथ मुकद्दस वकार। मददगार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज माशाल्लाह से मैं भी बहुत खुश हूँ और बाबा जी भी माशाल्लाह से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और जी को फ्रूट पॉइंट लगा के दिया है, ये आप देख सकते होंगे। ये हमने तरबूज जो है वो लगाए हुए हैं यहाँ, और ये हम रोड पर खड़े हुए हैं क्योंकि अगर हम जो इनके एरिया में खड़े होते थे तो वहाँ जो है इतने लोग नहीं लेते। तो रोड पर ये होता है कि आने जाने वाले जो हैं वो जैसी जिसकी नज़र पड़ती है तो वो जो है वो ले सकते हैं। आजकल सीज़न भी तरबूज का है और आप देख सकते होंगे कि तरबूज जो है वो बहुत ही प्यारा जो बाबा जी ने लगाया हुआ है। और हम बाबा जी से बात भी करते हैं कि उनको कैसा लगा है कि ये आप देख सकते होंगे ये सामान भी सारा कुछ माशाल्लाह से नया लिया है। सबसे पहले तो हम बाबा जी को मुबारक देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो बाबा जी। खैर मुबारक बाबा जी। और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है जी। मैं तो अपना कारोबार कर मैनू करन दिता है दूसरा किराया है। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं, अपना कारोबार की करण जोगा हो गया। मेरे जी बच्चे जी। चलो रोजी खाएंगे जी। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। बस बाबा जी आपने दुआएं करनी है जो हमें देख रहे हैं और जो भी हमें बहन भाई देख रहा है उन सब के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे और जिन्होंने किया है अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, जिनकी वजह से जिनके तावन से ये सब कुछ मुमकिन हो सका है। और बस बाबा जी आपने मेहनत करनी है क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। इस काम को आपने जारी रखना है, ये रोकना नहीं चाहिए क्योंकि जिस तरह से मैं कहती हूँ सीज़न आता है, अब तरबूज का है, आगे आम का सीज़न आ जाएगा तो बंदा इस चीज़ को बढ़ाता जाता है, कभी ये लगा लेता है। जिस चीज़ का सीज़न होता है उसको बंदा जो है वो फ्रूट जो है वो लगा सकता है। तो बाबा जी सारा कुछ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ये सेटअप? बहुत अच्छा लगा बहुत। मैं थोड़ा शुक्रगुजार हूं। चलें जी माशाल्लाह। दुआवां करांगा थोड़े बच्चियां नु, दुआवां करांगा जेड़े इनकार देंदे पैने, अल्लाह उन्हां नु भी बहुत देवे। बिल्कुल। अल्लाह उन्हां नु तंदुरुस्ती देवे, बिल्कुल बच्चियां दी हालात ठीक करे। आमीन। अल्लाह सब दे बच्चियां नु रोजी देवे। आमीन। बिल्कुल जी। तुहाडे सदके मैं भी खावांगा। हां, दुआ करांगा मेरे बच्चे खावां। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल। क्योंकि ये मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि बाबा जी के पास कोई रोज़गार नहीं था तो ये जो है बाबा जी इतनी एज में भी बेचारे कहीं किसी के जो घास काटते थे, घास के अवध इनको 100-150 रुपया दिया जाता था दिन का, तो 100-150 में नहीं गुजारा होता। इनके माशाल्लाह 6-7 बच्चे जो हैं वो खाने वाले हैं तो 100-150 के अंदर बहुत मुश्किल इनका सेटअप चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि बाबा जी को ये डेड़ी लगा के दी गई है। इंशाल्लाह जो है वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वैसे जैसे कि हम बाबा जी की बेटी की शादी पर भी आए थे और इनकी बेटी की शादी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई थी, तो हमने इनसे वादा किया था कि हम इनको इंशाल्लाह जो है वो एक रोज़गार का सिलसिला करवा के देंगे। तो उसके बाद जो है क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया, महीना मुझे लगता हो गया है ना बाबा जी, महीना हो गया, तो इनकी काफ़ी तबीयत जो है वो डाउन हो गई थी, तो वो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा जो है वो गैप अंदर आ गया था। तो बाबा जी आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? वो कुछ बेहतर हुई है जी, जिसकी वजह से काम जो है वो लेट थोड़ा हो गया हमारा। चलें जी, लेट हो गया वो कितना देर आए दुरुस्त आए तो वो अब थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले। जी आपने जो है वो जिन लोगों ने ये सब कुछ सपोर्ट किया आपको, तो जिन्होंने ये इस काम में, आमीन आमीन आमीन। जी बाबा जी 5, 10, 15 ये बाबा जी अल्लाह ताला की तरफ से 30,000 रुपये हैं और इस काम के साथ आपने और काम भी शुरू करना है और जो कर्ज़ा आपके ऊपर था वो अपने कर्ज़ा इससे उतारना है क्योंकि आपने बेटी की शादी पर जो है वो थोड़ा कर्ज़ा भी लिया था, हमें बताया था आपने, तो वो अपने कर्ज़ा उतारना है। और इसमें अगर आप चाहेंगे तो इसमें जो है वो और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आगे बाबा जी ने काम करना है। आगे बाबा जी आपकी मर्ज़ी, आप इसको किस तरह से ले कर चलते हैं। बाबा जी आपकी बहुत सारी दुआएँ हैं। आमीन 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 आमीन। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल आमीन। मैं सब बहन भाइयों को यहाँ शुक्रिया अदा करूँगी जिनके सपोर्ट से ये सब मुमकिन हो सकता है और हम इन बाबा जी जैसे और बहुत सारे बुज़ुर्गों के पास जाते हैं और उनकी जो है वो हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जैसे और बहुत सारे बुज़ुर्गों की हेल्प हो सके और वह एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलानी के बान पाकिस्तान जिंदाबाद।